हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अबू व्लॉग्स। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर जगह न्यूज़ पे कल बहुत ज़्यादा बारिश थी मुंबई में, एंड बहुत जगह पेड़ गिर गए हैं, गाड़ी नुकसान हो गया है, जान का नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, पैसों का नुकसान हो गया है, कई दुकानें डूब चुकी हैं। तो आज मैं गो थ्रू करने वाला हूँ दोस्तों, आज मैं रोड रोड जाके देखने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। उसी तरह यही समझ लो आज आपके लिए व्लॉग्स बनाने वाला हूँ। एंड आपको कुछ बातें भी बताना है दोस्तों कि जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह पार्क करते हो तो पहले देख लें वो दीवार जो है कच्ची ना हो, पेड़ के पास ना हो, पेड़ जो हो अच्छा पेड़ हो, हैवी पेड़ हो, तो वहाँ पे आप अपना पार्क करें गाड़ी में। तो अगर कमज़ोर पेड़, कमज़ोर दीवार के पास आप पार्क करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को थोड़ा अवेयरनेस पहले से था, उन लोगों ने बहुत लोगों ने अपने आप को सेव किया है। और बहुत नुकसान की बात वो है कि लोगों ने अपने इतना मालूम होने के बावजूद, न्यूज़ पे होने के बावजूद कि साइक्लोन आ रहा है, काफ़ी हैवी बारिश होगा, बट लोगों ने प्रिकॉशंस वगैरह नहीं ले, लोगों ने अपने आप के अपनी दुकानों को सेव नहीं किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है कहीं बिल्डिंगों में तो नहीं हुआ है, जहाँ पे भी नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा चौल में नुकसान हुआ है, बनियों की दुकानों पर, जनरल स्टोर में, एंड जो छोटी मोटी शॉप्स होती है, जो ग्राउंड फ्लोर पर जितनी भी शॉप थी वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है ऑल ओवर मुंबई में। तो हम कुछ जगह जाने वाले हैं और देखने वाले कि कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। एंड मुझे आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मैं कहाँ पे अभी ये रेनी सीजन में मैं क्या डोनेट करूँ और आप लोग के हिसाब से क्या डोनेट करना सही होगा। तो आप मुझे बताइए, मैसेज करिए कमेंट के लिए, कमेंट करके इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, ट्विटर हैंडल में मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड जहाँ देखो वहाँ पे ये जितने पेड़ पौधे हैं ना बहुत ज़्यादा गिरे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान भी मिला है, किसी का गाड़ी का नुकसान हुआ है, किसी की जान का नुकसान हुआ है। तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप कहीं भी पार्क करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कच्ची दीवार आसपास ना हो, जैसा लगे कि हवा आने से गिर सकती है, या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो ज़्यादा मजबूत ना हो, पतले हैं, तो उनसे वहाँ से आप अपनी गाड़ी या कोई भी चीज़ दूरी रखें, अपने आप को भी सेफ रखें। इधर भी देखिए, तो इसीलिए आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मुंबई में काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई दुकानों के अंदर पानी भर गया है पूरा। यहाँ तो कल पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, पता है, मेरे दोस्त की दुकान खुद वॉलेट की है बॉम्बे में यहीं पर, तो उसकी दुकान का नहीं बोलते 50 से 60 हज़ार 1 लाख के ऊपर का नुकसान हुआ। पूरी उसकी लेडीज वॉलेट थी पूरा पानी के अंदर, उसकी दुकान ग्राउंड फ्लोर पे दुकान थी ना, पूरा अंदर पानी भर गया। यहाँ पे देखे पूरा पेड़ यहाँ से गिरा है। ये सायन के पास का हॉस्पिटल है, सायन ब्रिज के नीचे, ये किंग सर्कल यहाँ से जाता है ना किंग सर्कल के लिए, उस ब्रिज के नीचे देखे पूरा वहाँ पे पेड़ पूरा लगा हुआ था, एंड पूरा पेड़ वहाँ से सीधा यहाँ पे गिरा है। पूरा रेलिंग बच गया, लेकिन फिर भी ठीक है, वो दीवार लेवल सारी पूरी दीवार लेवल वहाँ पे टूट गई है। तो ऐसे ही नुकसान हुआ है बहुत जगह, थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ तो आप लोग को ये देखें, पूरी दीवार वगैरह पूरी टूट गई है। बट ठीक है, यहाँ के जो बीएमसी वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका है, वो फटाफट आके पूरा, अभी कल ही हुआ ये सारा सीन, जैसा कि मैंने बताया कि कल बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुआ था मुंबई में एंड बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। तो एक यहाँ पर भी नुकसान हुआ था, अरे शाहू नगर माहिम ईस्ट में, यहाँ पे भी देखो कल पूरा ये पेड़ यहाँ से पूरा गिरा, और साल यहाँ पे हर साल लास्ट टाइम पे वहाँ पे टैक्सी के ऊपर गिरा था, बैक साइड में उधर पे टैक्सी के ऊपर से गिरा था, बट अभी देखे पूरी ज़मीन उखाड़ के इतना, ये यहाँ पे लाइट का खंभा भी था वो भी टूट गया, इतना ज़्यादा हैवी रेन हुआ ना मुंबई में कल, पानी तो बहुत जगह भर गया था, बहुत जगह भर गया था, थोड़ी बहुत ही और अगर कंटिन्यूसली बारिश होना तो पूरा मुंबई शायद से 26 जुलाई के ऐसा फिर से डूब जाता था। एंड यहाँ पे भी छोटे मोटे पेड़ भी नीचे टूट के गिर गए हैं। तो लास्ट ईयर भी यहाँ पे ना पेड़ गिरा था, वो तो बीच में टैक्सी खड़ी थी, टैक्सी का बीच में पूरा टूट गया था। अगर शायद उसके बाद इंश्योरेंस हो गई तो इंश्योरेंस पास कर तो कुछ मिल जाए, अदरवाइज तो कुछ मिलेगा नहीं। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यार इस बार लोगों का, बहुत अचानक में ऐसा हुआ, और पहले से वॉर्न किया जा रहा था कि हादसा आ सकता है, साइक्लोन आएगा,
अभी देखो इधर भी पूरा पेड़ टूट के गिरा हुआ है। और यहाँ पे बारिश की वजह से हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बीएसटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए लोग मेहनत कर रहे हैं डंडा वगैरह लेके, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हुआ है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप लोग के लिए डेली व्लॉग्स अबू व्लॉग्स चैनल पे आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग।